Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Mariam and I'm here with a brand new tutorial of painting. So guys, in today's video I'm going to paint a bottle with one of your favorite character Mario on it. So without wasting time, let's start. For this, first of all I'm gonna take white and yellow acrylic paints aur jitne mujhe chahiye wo main is pe dal lungi. Make sure ke humne white zyada amount mein dalna hai aur yellow less amount mein. बिकॉज फर्स्ट कोट वर्क्स एज अ प्राइमर तो इसमें मुझसे येलो की अमाउंट थोड़ी ज़्यादा होगी बट कोई बात नहीं, हम उसे सेकेंड कोट में कम कर लेंगे. और इससे भी धर पोस्ट पॉन्स सारे बॉटल पे अप्लाई कर दिया मैंने. मेक श्योर दैट वन योर फर्स्ट कोट गेट ट्राइड दैन गो फॉर सेकेंड वन, अदरवाइज योर फर्स्ट कोट गेट डिस्टर्ब. आप देख सकते हैं कि मैंने सेकेंड कोट में जो वाइट कलर है वो ज़्यादा ऐड कर लिया, थोड़ी स्किन सी टोन आ रही है. नेक्स्ट मैंने जीरो साइज ब्रश लिए, ब्लैक इनेमल पेंट लिए और मारियो का रफ स्केच ऑलरेडी बॉटल पे बना लिए ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो. विद हेल्प ऑफ जीरो साइज ब्रश हम इसकी आउटलाइन बना लेंगे सबसे पहले. तो जब तक हमारी आउटलाइन कंप्लीट होती है, इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, इससे मेरी वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी. नेक्स्ट मैंने रॉयल ब्लू इनेमल पेंट ले लिया और इसे अप्लाई करूँगी विद द हेल्प ऑफ सेम ब्रश. आपको इनेमल पेंट किसी भी शॉप से इजीली मिल जाएंगे और यहाँ पे मैंने मास्टर के इनेमल पेंट्स यूज़ किए हैं. नेक्स्ट मैंने सिग्नल रेड इनेमल पेंट लिया और विद द हेल्प ऑफ सेम जीरो साइज ब्रश इसकी शर्ट पे अप्लाई कर दूंगी. मेक श्योर कि आपका जो कलर होना चाहिए वो सिग्नल रेड ही होना चाहिए, कोई डल कलर नहीं होना चाहिए. देन मैंने ये ब्राउन और वाइट ले लिया इनेमल पेंट. डार्क ब्राउन उसकी हेयर्स में हो जाएगा और उसकी शूज़ में थोड़ा सा लाइट कलर चाहिए तो मैंने वाइट और ब्राउन को मिक्स कर लिया तो मेरे पास लाइट ब्राउन कलर आ गया. नेक्स्ट इसके ग्लास में वाइट कलर हो गया. नेक्स्ट टेक द सेम वाइट कलर अप्लाई इन द कैप वेयर अ राइट एम रिप्रेजेंट्स एक्चुअली मारियो एंड अप्लाई सेम वाइट कलर इन द टीथ. मेक श्योर थोड़ा उसको एज निकालना है ऊपर की तरफ. नेक्स्ट मैंने येलो कलर लिया और उसको अप्लाई किया इन द बटन्स. स्किन कलर बनाने के लिए मैंने ज़्यादा अमाउंट में वाइट लिया और थोड़ा सा येलो ऐड किया है उसकी शूज़ की सोल में, थोड़ा सा करना है और उसकी स्किन में करना है. अब मैंने डल रेड बनाने के लिए सिग्नल रेड कलर में थोड़ा सा ब्लैक ऐड किया और इसको अप्लाई करेंगे उसकी माउथ में और माउथ की अबव साइड पे हमने थोड़ा सा डल कलर करना है, ब्लैक का शेड लेके आना है. उसके दोनों तरफ मैंने ब्लैक अप्लाई कर दिया. उसकी नोज़ और ईयर्स में भी सेम स्किन कलर अप्लाई कर दिया हमने. नाउ उसकी आईज़ में सबसे पहला जो हमने ऊपर की तरफ शेड करना है वो हो गया वाइट. उसके बाद स्काई ब्लू कलर का सेकंड शेड अप्लाई करेंगे दिस स्काई ब्लू कलर और इसको अब अप्लाई करूंगी मैं. नेक्स्ट शेड जो होगा वो ब्लैक लूंगी, ब्लैक कलर अप्लाई करना है और उसके अंदर एक वाइट का डॉट. लास्ट पे जी मैंने उसके ऊपर वाली साइड पे मारिए के जो दो बेसिक कलर है रॉयल ब्लू और सिग्नल रेड वो अप्लाई करने हैं, इससे बॉटल की लुक और इन्हेंस हो जाएगी. आपके पास घर में हर चीज़ अवेलेबल होती है, बस आपको थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना होता है, इन्हेंस करना होता है. मेरे पास पहले इस बॉटल में मनी प्लांट था बट मैंने सोचा क्यों ना इसको इन्हेंस किया जाए और इसका ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए. अगर आप भी ऐसा कुछ बनाते हैं तो काइंडली इसकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा. इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है और हमारी बॉटल भी ऑलमोस्ट रेडी है. सो ये रही इसकी फाइनल लुक. अब
अब मैं आपको बताती चलूँ कि हम इस बॉटल को किस किस तरीके से रख सकते हैं। नंबर वन, इसको हम अपने बेडरूम में रख सकते हैं एज अ डेकोरेशन। इसमें फेरी लाइट्स लगा दी मैंने, आपको किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप से मिल जाएंगी फेरी लाइट्स। आप देख सकते हैं कि कितने ईजी स्टेप्स में अपने बेडरूम को हम एक ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं। सेकेंडली, हम अपनी बॉटल को एज अ प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट बिफोर प्लांटिंग इन इट आपको इसे सील करना होगा विद द हेल्प ऑफ वाइट ग्लू। मैं इसको ऑलरेडी सील कर चुकी हूँ, अब मैं इसमें वाटर डालूंगी। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको सीलिंग के बेनिफिट्स बताती चलूँ। अगर आपकी बॉटल सील्ड है तो आपके वाटर का उस पर कोई अफेक्ट नहीं होगा, आपके कलर्स बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और आप लॉन्ग लास्टिंग बॉटल को यूज़ कर सकते हैं और इसको वॉश भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम अब पानी डाल लेंगे इसके अंदर। सो इसके लिए मैंने एक मनी प्लांट ले लिया है जो कि मैंने अपनी ओल्ड बॉटल से निकाला है और इसमें इंसर्ट कर रही हूँ। इट्स अप टू यू, आप कोई भी प्लांट ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। सो गाइस, आई होप यू लाइक टुडेस ट्यूटोरियल एंड इफ यू लाइक इट प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल वॉच माय अदर वीडियोस एज वेल। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।